नमस्कार दोस्तों, आशी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, छोटी छोटी बूटी का खूबसूरत सा पैटर्न, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में, जैसे जैकेट में, कुर्ती में, कार्डिगन में, स्वेटर में, टॉप में, किसी भी प्रोडक्ट में डालेंगे, ये सब में अच्छा लगेगा। इसे आप बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा डिज़ाइन, बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे अपने प्रोजेक्ट में ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसे बनाने के लिए हमें 8 नंबर में फंदे चाहिए, यानी जो 2 से 9 कटते हों। ऐसी संख्या में हम कोई भी फंदे लेके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझे। तो पहली लाइन में अपने मेन कलर के ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही आसान और बेहद खूबसूरत है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं और डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिए गए। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और हम सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। पहली लाइन में भी सभी फंदे सीधे और दूसरी लाइन में भी सभी फंदे सीधे। डिज़ाइन बहुत ही आसान और बेहद खूबसूरत है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को हम अपने दूसरे कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा। तो इन्हीं 2 फंदों को हमें दोहराना है। एक फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा सीधा बुनना है। स्लिप किया, नेक्स्ट फंदा सीधा। स्लिप किया, नेक्स्ट फंदा सीधा। स्लिप करने के लिए हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और अगले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। स्लिप किया, अगला फंदा सीधा। तो इन्हीं 2 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो स्लिप किए हुए फंदे को, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। 2 ही फंदे को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करना है और नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर करना है और बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। ये डिज़ाइन दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ही बन रहा है। हर दूसरी लाइन में हम ऊन का कलर चेंज कर दे रहे हैं। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। जिन्हें सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता है वो भी इस डिज़ाइन को
आसानी से बना सकता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, तो फिर हम अपना पहला लाइन यहाँ से दोहराएंगे, यानी अपने प्राइमरी कलर के ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। चार लाइन का ही ये रिपीटेड पैटर्न है और इन्हीं चार लाइनों को हम ऊपर ऊपर दोहराते जाएंगे तो ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है। इसे आप किसी भी बच्चों के प्रोजेक्ट में या लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बेहद अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।